नमस्कार संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी देश भर में एनडीओ सीडीएस की आज लिखित परीक्षा करा रहा है, तो जो सेना में जाने का सपना देख रहे हैं वे आज इन परीक्षाओं को दे रहे हैं। तो अभी हम उन बच्चों से बात करेंगे कि कैसा परीक्षा रहा, कैसा प्रश्न पत्र आया, किस तरह के प्रश्न आए और उनका अपना कितना कॉन्फिडेंस है कि वो कितना यूज़ कर पाएंगे। अब हमारे साथ दीपाली। दीपाली, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम दीपाली चौहान है, मैं एनडीए में 17 मई से कोचिंग कर रही हूँ। मैंने डीडीए में 4 मंथ की कोचिंग लिया और आज मेरा मैथ्स का पेपर था एनडीए। तो डीडीए की कोचिंग का कितना फ़ायदा मिल रहा दिख रहा है? सर वहाँ पे जैसे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब बताते थे, वो क्वेश्चन पेपर में अप्लाई किए तो सर क्वेश्चन मतलब टाइमिंग बची क्वेश्चन करने की, सब कुछ अप्लाई करके तो फॉर्मूले जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सर ने बताई थी और जो भी की शॉर्ट मतलब पूरी कैलकुलेशन ना करके शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे करना है वो सब अप्लाई करके क्वेश्चन ज़्यादा हो पाए। अच्छा, जो डीडी ने मॉक टेस्ट कराए थे वो अटेम्प्ट किए थे आपने? यस सर। तो उसका कितना फ़ायदा मिला? सर बहुत फ़ायदा मिला सर, मतलब एक्यूरेसी की हमें कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने और सर नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बच सकते हैं कि हम मतलब जिनके बारे में आंसर के बारे में बिल्कुल श्योर है हम सिर्फ उन्हीं के आंसर दे। इसलिए अच्छा जैसा आज का मैथ का पेपर आया, ये किस टाइप का पेपर आया? सर मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था। यस सर। चलो थैंक यू। अब हमारे साथ सौरभ। सौरभ अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम सौरभ माहौर है, मैं यूपी हापुड़ से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे एनडीए की तैयारी करने आया था। तो सर अभी हम पेपर दे के आए हैं, मैथ का पेपर हुआ था अभी। तो आपने कोचिंग कहाँ से करी? सर कोचिंग हमारी डीडीए दून डिफेंस एकेडमी। अच्छा। संदीप सर से हुई है सर। तो कैसा लग रहा है, कैसा पेपर हुआ आज का? सर पेपर में मतलब जो डर था वो मॉक टेस्ट ने निकाल दिया और मतलब ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार पेपर दे रहे हैं, पहली बार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन अच्छा था पेपर और कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है सर। तो अभी जैसे पेपर किस टाइप का था, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि क्वेश्चन के बारे में किस टाइप? सर क्वेश्चन सर वही थे, बस थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन थे, जैसे डिजिट वैल्यू चेंज थी, लेकिन सर मिल गए थे क्वेश्चन जो हमारे मॉक टेस्ट से हुए थे या जो सीरीज हुई थी इसको मतलब कोचिंग में वो सब मिले। यस चलो थैंक यू। अब हमारे साथ है प्रांश। प्रांश अपने बारे में बताओ। जी मेरा नाम प्रांश बाबू है, मैं शाहजहानपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था और पहली बार मैं इंटर के पेपर दे के मैं सीधे दून डिफेंस अकेडमी संदीप सर के यहाँ कोचिंग करने आया और पेपर बहुत मतलब की मैथ का सही था, मीडियम साइज का था, ना मतलब ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा ईजी था और जो भी डीडीएम मॉक टेस्ट हुए उनसे बहुत मतलब हेल्प मिली, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, ओएमआर सीट भरना और काफ़ी मदद मिली। तो क्वेश्चन के टाइप किस टाइप के पेपर था, थोड़ा बताओ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन मतलब कि सब पढ़े हुए थे, जैसे कि जो डीडीएम में जैसे क्लासें चली प्रॉपर उनसे मतलब बहुत सहायता मिली और मॉक टेस्ट वगैरह से काफ़ी हेल्प। तो कैसा लग रहा है कि पेपर निकल जाएगा? हाँ कॉन्फिडेंस तो है पेपर का, अब देखो। चलो ठीक है थैंक यू। अब हमारे साथ है सपना। सपना अपने बारे में बताएं पहले। मेरा नाम सपना है और मैं वैसे हम रानी खेत के हैं, मैंने अपनी स्टडीज़ वैसे हरियाणा करनाल से पूरी की है और अभी मैं देहरादून बेसिकली पेपर देने के लिए आई हूँ। अच्छा, जो आज का पेपर गया आपका कैसा गया? अच्छा था, ठीक था, मतलब थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम है जैसे तो मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इतना है नहीं, तो उस हिसाब से तो ठीक था मतलब। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे थोड़ा बता पाएंगे इसके बारे में? जैसे बेसिकली 11th 12th का मैथ्स होता है तो वही पैटर्न था। तो जैसे आपने तैयारी करी इसकी, तो तैयारी कैसे करी आपने? तैयारी मेनली सिलेबस जैसे होता है बेसिकली, तो उसका थोड़ा अपने मतलब 11th 12th का ही पढ़ना होता है, मतलब कंसेप्ट क्लियर रखने चाहिए अपने, तो उस हिसाब से हो जाती है। तो कैसा लग रहा है कि निकल जाएगा पेपर आपका? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मेरा बल्कि खुद ही फर्स्ट टाइम है, मुझे खुद नर्वसनेस हो रही है। चलो हमें सबसे शुभकामनाएं आप। थैंक यू। अब हमारे साथ हैं अभिषेक। अभिषेक अपने बारे में बताएं पहले। मैं अभिषेक तोमर जौनसार का रहने वाला हूँ और एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ और आज हमारा एग्ज़ाम था गणित, अभी हमने गणित का दिया है और कुछ क्षण बाद हम जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट भी देंगे। अच्छा, अभी जो पेपर अभी आया आज किस टाइप का पेपर था? सर मॉडरेट लेवल था, सही क्वेश्चन थे, मतलब जो कट ऑफ जाती है उसके लेवल की कट ऑफ जाएगी, ऊपर नीचे नहीं होगा। अभी कैसा लग रहा है पेपर आपका, कैसा क्या रहेगा? पेपर सही है, अगर जीएटी में सही हो जाए तो निकल जाएगा। चलो थैंक यू। अब हमारे साथ खुशी। खुशी अपने बारे में बताओ। मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, रायपुर रांझावाला में, और मैं 18 साल की हूँ। अच्छा, ये बताओ अभी आपका आज मैथ का पेपर था, कैसा आया पेपर? क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था और मेरा काफ़ी ठीक ठाक हुआ है। ठीक ठाक हुआ, तो क्या लग रहा है निकल जाएगा? मैंने अपना अच्छा दिया है, अब वो तो रिजल्ट पता चलेगा। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, थोड़ा आइडिया बताओ। मेनली कैलकुलस के भी काफ़ी थे क्वेश्चन थे और मतलब ऑलराउंड काफ़ी क्वेश्चन ठीक ठाक थे, हर चैप्टर से मॉडरेट इक्वल क्वेश्चन थे।
तो इसने आपकी तैयारी कैसे करी इसकी? मैंने संदीप सर अकेडमी दून डिफेंस अकेडमी से करी है इसकी तैयारी और वहाँ से मुझे बहुत बेनिफिट मिला इस चीज़ का। तो जैसे दून डिफेंस अकेडमी ने मॉक टेस्ट किए थे उसका कितना फायदा मिला? मुझे OMR शीट फिल करना आया, नेगेटिव मार्किंग, मुझे कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, किस वे में करने हैं, वो सब का एक्सपीरियंस मिला और एक पेपर प्रैक्टिस हुई बहुत अच्छी। पेपर प्रैक्टिस हुई। अभी जैसे अभी दूसरा आपका GAT का है तो उसका कैसा लग रहा है अभी? डर तो लग रहा है पर मैं अपना अच्छा करूँगी, इतना मुझे आता है। चलो थैंक यू। अभी तक हम बात कर रहे थे जो गणित का पेपर था, अब हम बात कर रहे हैं GAT का एग्ज़ाम अभी छूटा है तो GAT की जो एग्ज़ाम दे के आई है बालिका, इसका नाम है सृष्टि। सृष्टि अपने बारे में बताओ। मेरा नाम सृष्टि है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। तो अभी जैसा GAT का आज पेपर आया तो पहले अटैम्प्ट में और अभी में कितना फ़र्क देख रही है? दोनों ही लगभग बराबर थे बट इस बार मैंने प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी की तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगा। तो इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? सेल्फ स्टडी से करी है। अच्छा, इस पेपर के बारे में बताइए किस टाइप के क्वेश्चन और टाइप के आते हैं? नॉर्मल GK के क्वेश्चन थे, कुछ डिफेंस के थे, कुछ फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के थे और इंग्लिश के भी, इंग्लिश भी थी बट सब नॉर्मल थे। नॉर्मल क्वेश्चन थे। कैसा लग रहा है आपको, क्या किस लेवल तक जाएगा आपका? वो तो डिपेंड करता है कि उस टाइम मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना था और मेरी तैयारी कैसी थी बट अकॉर्डिंग टू मी आई डिड बेस्ट एंड ओके। चलो ठीक है, थैंक यू। अब हमारे साथ है वंश तेवतिया। तेवतिया अपने बारे में बताओ। मेरा नेम इज़ वंश तेवतिया फ्रॉम UP। कभी जैसे आज GAT का एग्ज़ाम था आपका तो GAT का पेपर कैसा था? सब अच्छा पेपर था, मज़ा आया करने में और काफ़ी कुछ वो आया था जो टीचर्स ने पढ़ाया था उसमें DDA के अंदर। क्वेश्चन का पैटर्न क्या था आगे बता पाएंगे? पैटर्न काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था, थोड़ा डिफरेंट भी था। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं था जैसे हमने प्रैक्टिस जिस तरह से की थी, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आपने इसकी तैयारी कैसे करी? तैयारी अकेडमी की तरफ से काफ़ी अच्छा कराई गई थी हमें, मज़ा भी आया पेपर करने में। तो जैसे अकेडमी ने आपको जो मॉक टेस्ट कराए थे तो उसमें आपके मेडल भी आए थे, तो उसमें उसका क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी मॉक टेस्ट से जिसकी वजह से हमारा अच्छा काफ़ी पेपर गया तो मज़ा आया। तो मतलब निकलने की उम्मीद है? हाँ, चांस है शायद निकल जाए। चलो देखते हैं। ठीक, थैंक यू। अब हमारे साथ है गोविंद। गोविंद अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम गोविंद उपाध्याय है और मैं एक NDA का स्टूडेंट हूँ और अभी एग्ज़ाम हुआ है सर हमारा। तो अभी जैसे आज GAT का एग्ज़ाम था तो कैसा रहा पेपर? सर पेपर ठीक था, थोड़ा अच्छा था, बस थोड़ा इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा चेंज था। ऐसे पहले PQ वाले खाते थे और इस बार उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन दे दिया। अच्छा, तो बस थोड़ा सा चेंजमेंट था पेपर में। तो ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका? सर ये सेकेंड अटैम्प्ट। सेकेंड, तो पहले में दूसरे में कितना फ़र्क देख रहे हो? सर कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही फ़र्क है सर, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो उसकी तैयारी कैसे करी आपने? तैयारी सर यहीं पर देहरादून में दून डिफेंस अकेडमी है सर। अच्छा, वहीं तैयारी की। वहीं तैयारी करी जी सर। तो जो दून डिफेंस अकेडमी ने आपको मॉक टेस्ट कराए थे ऑफलाइन, वो उसका कितना फ़ायदा मिला? सर मॉक टेस्ट का तो बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे कि OMR कैसे बननी है हमें और PYQ इस पर आते हैं तो उसमें सर बहुत फ़ायदा मिलता है उसका। तो कुल मिला के आपका अच्छा पेपर गया? जी सर, पेपर अच्छा गया। चलो थैंक यू। अब हमारे साथ है यतिन। यतिन अपने बारे में बताओ। सर माई नेम जितेंद्र कुमार फ्रॉम UP सर, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से। मुझे सर यहाँ पे NDA का पेपर देके कुछ अच्छा महसूस हुआ जिससे मैं DDA में अच्छी तैयारी के लिए मैंने सर ने मॉक करवाए थे जिससे मुझे हैंडल करना पेपर से आ गया। अच्छा। जिससे मुझे ये लग गया कितनी हमें कट ऑफ करनी चाहिए, कितने क्वेश्चन करने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए कम से कम क्वेश्चन। उसी प्रकार हमने वही हैंडल किया जिससे सर ने मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कराए जिससे हम सब को कुछ कॉन्फिडेंस हो गया जिससे हमारे अच्छे रैंक आ सकती है। तो आज का पेपर कैसा था? आज का पेपर बढ़िया था सर। बढ़िया था। हाँ सर। तो कुल मिला के कैसा कहेंगे, कठिन कहेंगे, आसान कहेंगे या? सही था सर, बढ़िया था, कुछ जैसे जो तैयारी थी वो सही थी। तो क्वेश्चन के पैटर्न कैसे थे कुछ बता पाएंगे? पैटर्न सर हल्की थी पैटर्न, जैसे किसी में जैसे 13 नंबर का था वो 5 नंबर का हो गया ऐसा था, मगर था सही, बढ़िया सही था। पेपर बढ़िया था। तो उम्मीद है कि निकल जाएगा? हाँ सर निकल जाएगा इस पहले अटैम्प्ट में। चलो थैंक यू। अब हम हमारे साथ है नोविका। नोविका अपने बारे में बताओ। सर मैं माय नेम इज़ नोविका, आई एम फ्रॉम हरियाणा रोहतक। अच्छा, जैसे अभी GAT का पेपर आप देखे आए हैं तो GAT का पेपर कैसा रहा? GAT का पेपर इस बार इंग्लिश का पेपर का पैटर्न पूरा चेंज था, उसमें मतलब पैराग्राफ भी आ रखे थे और रीअरेंजिंग जब वर्ड जो आते हैं वो अब की बार नहीं थे, तो मतलब इंग्लिश का पैटर्न चेंज था काफ़ी। ये तुम्हारा कौन सा अटैम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। तो पहले में दूसरे में कितना फ़र्क देखा? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हाँ। जैसे कि थोड़ा बताओ। मतलब जैसे इंग्लिश में या फिर और कोई सा भी देखे, उसका गैर उस GS का भी देखे, तो उसमें मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा आती थी इस बार, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में से इतने क्वेश्चंस नहीं थे। और इंग्लिश में भी अगर देखे हम रीअरेंजिंग द वर्ड्स देखे और पैराग्राफ भी नहीं आते थे, लेकिन इस बार पैराग्राफ भी दे रखे थे। तो आपको क्या लग रहा है, सही रहा आपका पेपर दोनों? हाँ अच्छा था। तो निकल जाएगा? हाँ। चलो ठीक, थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब DDA YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।